नमस्कार स्टूडेंट्स, हिंदी में हमने फोर्थ चैप्टर कंप्लीट किया। आज हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। चैप्टर का नाम है कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री। सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यू है, शास्त्री जी के लिए कर्म क्या था? तो इसका आंसर होगा ईश्वर। सेकंड है, विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे, यह उक्ति डैश की है। तो इसका आंसर होगा बाइबिल। थर्ड है, शास्त्री जी ने अपनी शिक्षा कहाँ पूरी की? तो इसका आंसर होगा काशी विद्यापीठ में। फोर्थ नंबर है, भारत के 9वें राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर होगा श्री शंकर दयाल शर्मा। फिफ्थ नंबर है, शास्त्री जी लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए क्योंकि? तो इसका आंसर होगा क्योंकि वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। क्या होगा इसका आंसर? वे सामाजिक कार्य करना चाहते थे। सिक्स्थ नंबर है, शास्त्री जी सन 1932 में जेल गए क्योंकि? तो इसका आंसर होगा उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। क्या आंसर होगा? उन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। सेवंथ नंबर है, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि? रिपीट करती हूँ, लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय सरकार में मंत्री बने क्योंकि? तो उसका आंसर होगा नेहरू जी ने उनसे इसके लिए अनुरोध किया था, मतलब मंत्री बनने के लिए नेहरू जी ने उन्हें किया था, इसलिए वो मंत्री बने। यहाँ पे पूरे हम करेंगे रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट ब्लैंक है, शास्त्री जी का जीवन दर्शन डैश के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। तो इसका आंसर होगा गीता। पूरा वापस से आंसर के साथ बोल देती हूँ, डैश का आंसर होगा गीता। तो शास्त्री जी का जीवन दर्शन डैश यानी कि गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतिरूप था। सेकंड है, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में डैश का अनोखा समन्वय था। रिपीट करती हूँ, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में डैश का अनोखा समन्वय था। तो इसका आंसर होगा विचारों का। पूरा आंसर, पूरा सेंटेंस होगा, शास्त्री जी के व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। थर्ड नंबर है, शास्त्री जी ने डैश से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। वापस से बोलती हूँ, शास्त्री जी ने डैश से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। तो इसका आंसर होगा बापू से। पूरा आंसर और सेंटेंस होगा, शास्त्री जी ने बापू से प्रभावित होकर अपनी पढ़ाई छोड़ दी। फोर्थ नंबर है, शास्त्री जी 1926 में डैश में शामिल हो गए। तो इसका आंसर होगा लोक सेवा मंडल में। वापस से रिपीट करती हूँ, शास्त्री जी 1926 में डैश में शामिल हो गए, या तो इसका आंसर होगा लोक सेवा मंडल में। फिफ्थ नंबर है, शास्त्री जी ने अपने को कभी अपने डैश के कारण ऊंचा नहीं मानते थे, या तो नहीं माना ऐसा आएगा। शास्त्री जी ने अपने को कभी अपने डैश के कारण ऊंचा नहीं माना। तो इसका आंसर होगा पद के कारण। सिक्स्थ नंबर है, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक डैश की तरहीज की, मतलब महत्व दिया, तरहीज की यानी कि महत्व दिया। तो इसका आंसर होगा कर्तव्य। रिपीट करती हूँ पूरी, शास्त्री जी ने अधिकारों से अधिक कर्तव्यों की तरहीज दी, मतलब कर्तव्यों को ही उसको महत्व दिया, सबसे ज़्यादा महत्व उन्होंने कर्तव्य को दिया। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक एक वाक्य में उत्तर।
फर्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? क्वेश्चन रिपीट करती हूँ, शास्त्री जी किसे संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे? इसका आंसर होगा, शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। रिपीट करती हूँ वापस से, शास्त्री जी कर्म को ही अपना ईश्वर मानते थे और उसी के प्रति संपूर्ण भाव से समर्पित थे। सेकंड है, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? तो इसका आंसर है, शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्म योगी का प्रतीक था। रिपीट करती हूँ, शास्त्री जी का जीवन दर्शन किसका प्रतिरूप था? तो इसका आंसर होगा, शास्त्री जी का जीवन दर्शन गीता के कर्म निष्काम कर्म योगी का प्रतीक था। थर्ड है, बाइबिल की कौन सी युक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है? तो इसमें स्टूडेंट मैंने सिर्फ शॉर्ट में लिखा है, लेकिन हमें पूरा आंसर लिखना है कि बाइबिल की विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होते हैं, यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। रिपीट करती हूँ वापस से, बाइबिल की विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होते हैं, यह उक्ति शास्त्री जी पर लागू होती है। फोर्थ नंबर है, शास्त्री जी की लोकप्रियता का कारण क्या था? तो इसका आंसर होगा कि वे हमेशा आत्मसंयम से काम लेते हैं, या तो लेते थे, और अधिकारों की अपेक्षा से कर्तव्य को अधिक महत्व देते थे, यही उनकी लोकप्रियता का कारण था। वापस से बोलती हूँ कि शास्त्री जी हमेशा आत्मसंयम से काम लेते थे और अधिकारों से की अपेक्षा से कर्तव्य को अधिक महत्व देते थे, यही उनकी लोकप्रियता का कारण था। फिफ्थ नंबर है, शास्त्री जी के लिए जीवन का संदेश क्या है? तो इसका आंसर होगा, कर्म के प्रति आस्था और संपूर्ण समर्पण, यही उनके जीवन का संदेश है। रिपीट करती हूँ, शास्त्री जी के जीवन का संदेश क्या है? तो कर्म के प्रति आस्था और संपूर्ण समर्पण, यही शास्त्री जी के लिए जीवन का संदेश है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने इस वीडियो में MCQs, फिलिंग द ब्लैंक्स और वन लाइन आंसर, ये तीन टॉपिक किए हैं। ये सब आपको अपनी नोटबुक में लिख लेने हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अस्तु।